चंदौसी कोतवाली क्षेत्र के ब्रह्मा बाजार के सामने आई पुलिस गुंडई की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई वीडियो। संबल पुलिस की गुंडई का पूरा वीडियो उस वक्त का है जब बाजार में खरीदारी कर लोग अपने अपने घरों को वापस लौट रहे थे। तभी चंदौसी थाने की पुलिस की एक जीप लॉकडाउन का लोगों को पालन कराते हुए ब्रह्मा बाजार के पसरट्टे बाजार में आई तो पुलिस को एक ज्वेलरी की दुकान खुली मिली। मगर पुलिस की जीप आते देख ज्वेलरी की दुकान मालिक ने अपनी दुकान का शटर बंद कर लिया, मगर उसकी दुकान में बैठे खरीदार पुलिस के डर से दुकान से भाग खड़े हुए। मगर लोगों की ज्वेलरी की दुकान के बाहर उनकी मोटर बाइक खड़ी रह गई तो पुलिस ने ज्वेलरी की दुकान के बाहर खड़ी बाइकों पर अपना गुस्सा निकाला और खरीदारों की बाइक पर लाठी डंडे बरसाने शुरू कर दिए, जिससे लोगों की करीब आधा दर्जन बाइकों को भारी नुकसान हुआ। नई बाइकों की हेडलाइट तोड़ी, पेट्रोल टैंकों को डैमेज किया और बाइकों के पहियों में सूजा भोंका, जिससे सभी बाइकों में लाखों का नुकसान हुआ है। ज्वेलरी की दुकान के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे और पुलिस की गुंडई उसमें कैद हो गई। तभी से वीडियो एक व्यक्ति ने अपनी फेसबुक पर अपलोड कर वायरल कर दिया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर कोई लॉकडाउन का पालन नहीं करता है या बाजार से सामान खरीदने में उसको जरा सी देर हो जाती है तो पुलिस उन या उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगी। ये सर क्या बताएं कि कुछ खुंदक खाए हुए या कुछ भी उनका दिमाग क्या है क्या नहीं है। गाड़ी पूरी यहाँ पर आई, उन्होंने कुछ ना मिला। एक आदमी की नई शादी उठी, शादी में बाइक मिली थी, यहाँ खड़ी थी बाइक खड़ी करके वो बेचारा सुनार का कोई सामान लेने के लिए गया था। आए वो, उन्होंने सब बाइक गिराई, उसके बाद सूजे से उनकी टायर में पिंचर कराया, उसमें कम से कम 8 या 10 हज़ार रुपये का सामान लगा है बाइक में। और जितनी बाइक पड़ी, किसी का शीशा, किसी का हेडलाइट, किसी का मडगार्ड, किसी ने सब कुछ छोड़ा है। लेकिन क्या कहें, प्रशासन से कुछ आदमी कह नहीं सकता। और मैं भी ये वीडियो बना रहा हूँ आपको ये माने में, लेकिन जा रहे कहाँ खड़ी थी बाइक? ये बाइक इस साइड में और इस साइड में खड़ी थी। अच्छा, कल फुब्बारे पर एक हमारे किन लोगों की बाइक थी? बाइक जो आपके किसान लोग होते हैं, गरीब, मतलब जो सामान लेने आते हैं वो ये। यानी दुकान खुल रही थी क्या? ये नहीं, दुकान सब बंद थी। तो फिर वो सामान कहाँ से खरीद रहे थे? वो आए थे सामान के लिए। अच्छा अच्छा। अब जब पुलिस की ये देखी तो वो गलियों में भाग लिए। ये करीब लमसम 12 बजे की बात है, जिस टाइम बाजार बंद होता है उस टाइम की बात है। ये वीडियो फुटेज कब की है? ये सीसीटीवी कैमरे की लमसम 5 या 4 5 दिन पुरानी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पारस कुमार। यहीं रहते हो आप? यहीं रहता हूँ। सोशल मीडिया पर एक वीडियो का संज्ञान लिया गया है जिसमें यह दिखाया जा रहा है कि कुछ पुलिसकर्मी एक रोड पर खड़ी हुई कुछ बाइकों को तोड़ रहे हैं। इस मामले में अभी प्रारंभिक जांच सीओ चंदौसी को दी गई है तथा इस बात का वेरिफिकेशन किया जा रहा है कि यह वीडियो कब का है तथा किस जगह का है। इन दोनों चीजों का वेरिफिकेशन होने के पश्चात दोषी पुलिसकर्मियों पर वैधानिक कार्यवाही तथा विभागीय कार्यवाही की जाएगी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।